Hey guys, once again welcome to all of you. I am Anshu and this is करने वाले another जीडी topic. जीडी topic is one nation one election. वीडियो pause कर दो. क्यों वीडियो pause कर दो? One nation one election. ऐसे ही आपको जीडी पे पता चलेगा, आपको topic नहीं पता चलेगा, but मैंने आपको topic बता दिया. आपको जो भी आ रहा हो पहले जाके comment में write कर लो, लिख लो one nation one election, मतलब कि एक राष्ट्र, मतलब एक देश में एक ही चुनाव होने चाहिए कि नहीं. What's your view? सो टॉपिक यही होने वाला है, फुल यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहले मैं अपने थोड़े से पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे थ्री वेज से मैंने लिख रखा है, टाइप कर रखा है. आपको डेफिनेटली उनमें से जो भी बेटर लगे आप उसे दो तीन बार पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा और उन फैक्ट्स को, उन पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं. और बिफोर जीडी, बिफोर द जीडी यू कैन मीन्स ऑल्सो रिवाइंड दिस, ठीक है? बाकी और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. चलो डिस्कस करते हैं. वन नेशन वन इलेक्शन, पहला नंबर तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका बेटर होना चाहिए, बेटर नहीं बेस्ट होना चाहिए. लाइक आप सेल्फ इंट्रोडक्शन पे, जैसे कि आपका टॉपिक यही आया, आप टॉपिक 5 मिनट पढ़ने के बाद बोलोगे वन नेशन वन इलेक्शन. सो हेलो, आई एम राहुल राय, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर, दिस इज़ द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड आई वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज दिस इज़ माई चाइल्ड हुड ड्रीम. ऐसा कुछ करना नहीं होता जैसे मैं कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा बताने पे हो रहा है. दिस इज़ माई चाइल्ड हुड ड्रीम एंड एज फॉर एज कंसर्न एज द माई टॉपिक इज़ वन नेशन एंड वन इलेक्शन. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वन नेशन और वन इलेक्शन इज गुड, एवरीथिंग हैज वन, इट्स वन प्रॉस एंड कंस, सो मेन मीन सेम थिंग. ऐसे भी इसका भी रखता है, मतलब कि जैसे कि हर एक चीज़ का कुछ प्रॉस एंड कंस होता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का भी होता है. क्यों? देखो तो चुनाव क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश में बताता चलूँगा, थोड़ा सा हिंदी पे आपको थोड़ा सा समझाना भी है ना, दिमाग में आपको कुछ ना कुछ तो आ जाना चाहिए. देखो अगर हम एवरीथिंग का कुछ, इसका कुछ प्रॉस होता है कुछ कॉन्स होता है. अगर प्रॉस की बात करूँ, फायदे की बात करूँ तो देखो सभी के सभी पॉलिटिकल पार्टीज, अभी पता बिहार में चुनाव हुए, कुछ दिन बाद महाराष्ट्र में होंगे, फिर यूपी में होंगे, 28 स्टेट हैं, यूनियन टेरेटरी अलग हो गया भाई, यहाँ पे चुनाव ही होते रहते हैं, सेंट्रल के चुनाव अलग होते रहते हैं. अगर सभी को एक जगह पे करा दिया जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा, पहला नंबर तो टाइम मनी एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपका सेव होगा, ठीक है, सेव होगा. आगे बढ़ते हैं, अगर इसके कॉन्स की बात करूँ, मैं निगेटिव में जाता हूँ, तो निगेटिव में भाई 5 साल के लिए हम किसी भी गवर्नमेंट को पूरा सत्ता दे देते हैं, सब कुछ वही करेगा, तो ये भी तो सही फेयर नहीं है ना. मे भी पता नहीं फिर उसके कोई अगेंस्ट नहीं होगा, तो वो पता नहीं लगा अपनी मनमानी टाइप में चलाने लगे, एग्जांपल्स आप देख ही रहे होंगे. सो उस बेसिस पे मेरा कहना है कि प्रोस एंड कंस एवरीथिंग के होते हैं. कोई कैंडिडेट अब यहीं पे जीडी पे क्या होगा, हम चले जाएंगे प्रोस कंस, लाइक मेरे अकॉर्डिंग एक इंडिया पे वन नेशन है वो वन इलेक्शन, ओके दिस इज़ गुड. एंड कुछ कैंडिडेट्स ओके दिस इज़ नॉट गुड, वो बोल देंगे ठीक है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ नॉट परफेक्ट, मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका जो अगेंस्ट वाले कोई बंदे नहीं रहेंगे. सो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं. चलो मैं फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, बाकी नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो जल्दी आएगा, थोड़ा सा हो सके तो शेयर करना, अदरवाइज कोई दिक्कत कसी नहीं है. चलते हैं, बाकी थोड़ा सा वेट कर लो, और भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे. चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे टॉपिक. टॉपिक क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन. टॉपिक नंबर सेकंड होने वाला है. टॉपिक फर्स्ट मैंने करा रखा है, डेफिनेटली जाओ चैनल पर और देखो जाके. टाइप फर्स्ट क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हेलो, सो आई विल स्टार्ट विद प्रोस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. यहाँ पे मैं कुछ फायदों के साथ में यहाँ पे इसका स्टार्ट करता हूँ. अब आगे बढ़ते हैं. There are a bunch of benefit of a single election. India is always on mood of election. It requires lots of resources. ठीक है, मतलब आगे money, time, political parties give more emphasis to election more than the work. मतलब कि बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लाइक अगर आप बार बार इलेक्शन कराते हो, लाइक आपका रिसोर्सेज चाहिए, आपका टाइम, पॉलिटिकल पार्टीज, अपने मतलब काम कराने से ज़्यादा अपना एजेंडा, मतलब अपना काम सेट करने के लिए उस पर लगी रहती हैं, कि मतलब काम नहीं करना, चुनाव कैसे जीतना उसकी ट्रिक्स पे, इस पर वर्क करते हैं. It will help to making policy for state as well as a central level. Political parties can give their more time to people rather than the election. यहाँ पर इसका मैंने मतलब प्रॉस बताया कि political parties को time देना चाहिए people's को rather than the election. ये इसका प्रॉस पे था. कॉन्स पे बात कर लेते हैं. If in India single election has taken place and a single party elected, those single party not work properly. अगर एक पार्टी को हम कह देते हैं कि भाई ये पार्टी ठीक है, ये पार्टी परफेक्ट है, तो वो पार्टी परफेक्ट वर्क नहीं करेगी, सिंपल सा. इन द सेंटर एज वेल एज द स्टेट, वो चाहे सेंटर पे हो या फिर स्टेट पे हो, पीपल डू नॉट हैव द ऑप्शन टू चेंज द गवर्नमेंट एट लीस्ट एट स्टेट लेवल. करंट सिनेरियो ऑफ इलेक्शन पीपल हैव चांस टू चेंज गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो करंट पे चल रहा है, कि लाइक हम समय जिस समय आपको लगता है कि अभी गड़बड़ होने वाला है, तो मतलब अगर आप चाहते हो, मतलब डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे जो भी चाहता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हमेशा बदल जाता है, बट टाइम टू टाइम सब कुछ चेंज होता रहता है. टू चेंज गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट डज नॉट वर्क प्रॉपरली इन सेंटर ऑल्सो इट्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट अ बिग कंट्री लाइक इंडिया. ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं. यहाँ पर टाइप सेकेंड है. हेलो गाइज, अब ये सेकेंड वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें
सीखने को मिलेंगी। हेलो गाइस, दिस इज अंशु, मतलब ये मेरा नाम है। मैंने अपने पॉइंट यहाँ पे रखे हैं। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, वन इंडिया वन इलेक्शन विच इज अनाउंस्ड बाय आवर पीएम नरेंद्र मोदी इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मतलब कि जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि वन नेशन एंड वन इलेक्शन, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वाई मीन्स स्टेट इलेक्शन एंड द सेंट्रल इलेक्शन विल बी हेल्ड टुगेदर। इनिशियली इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1952 एंड वॉज कंटिन्यू टिल 1967 से 1967 तक ये वाली प्रक्रिया चली थी। आई नो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, वन प्रोस एंड अदर कॉन्स। ये हमें भी पता है, ये तो आप ये वाली लाइन आप भाई रट सकते हो, क्योंकि कोई भी जीडी टॉपिक होगा आपको दो टाइप डिसाइड ही करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव और निगेटिव सोचना ही पड़ेगा। तो वही होता है अदर, बट वी शुड गो टू द साइड विच विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल। हमें उस साइड की ओर जाना है जो कॉमन पीपल के लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल हो। देयर आर सम प्रोस विच आर फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ फायदे मैंने लिखे। इट विल सेव टाइम मनी बोथ। फॉर एग्जाम्पल इन 2014, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, 45 करोड़ स्पेंड फॉर लोकसभा इलेक्शन ओनली विच इज वेस्टेज ऑफ मनी इन सेम मनी बोथ इलेक्शन कैन बी टेकन विल रिड्यूस करप्शन। आगे बढ़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ दीज आर मैनी कॉन्स, यहाँ पे इसके मैंने कॉन्स भी लिख रखे हैं, वो तो फायदा था, उसके यहाँ पे निगेटिव भी देख लेते हैं। विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज ऑल द प्रोसेस एट मतलब सेम टाइम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आ सकते हैं, रीजन्स आ सकते हैं। फेडरल सिस्टम विल बी चेंज्ड, फेडरल सिस्टम मीन्स डिफ्रेंशिएशन इन पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और वी कैन से दैट इट विल सर्टिलाइज द डेमोक्रेसी सिस्टम। इलेक्शन मशीनरी और सोर्स इज नॉट सफिशियंट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक और भी बन जाता है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बिकॉज चुनाव जब होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मुद्दा उठता है। अभी चुनाव हुए हैं तो उसका भी रिजल्ट आया, तो उस पर भी ये होता है, तो ईवीएम टॉपिक भी मैं जल्दी कराऊंगा। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे अगला क्या, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फेल डाउन फॉर एनी रीजन देन द होल प्रोसेस विल टेक प्लेस अगेन एंड वेस्टेज ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल इन 1996 अटल बिहारी वाजपेयी फेल्ड इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इलेक्शन विल टेक प्लेस ऑल्सो रिपीटेडली। देर इज वन मोर थिंग बोथ स्टेट, अब यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना, बस एक बार पढ़ लेना इस टॉपिक को, थोड़ा सा देख लेना कि हाँ इस टाइप का, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई पूरा का पूरा रट्टा मारना या कुछ ऐसा कुछ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एंड द सेंट्रल इलेक्शन विल बी हेल्ड सिमिलिटेशनली देन दैट टाइम ऑल द गवर्नमेंट विल बी फोकस्ड ऑन द इलेक्शन एंड ऑल द डिसीजन एंड द पॉलिसीज विल रिमेन इन पेंडिंग। हेंस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस आइडिया इज नॉट बेनिफिशियल ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। टाइप थर्ड, या फिर टाइप सेकंड था, थोड़ा सा लेंदी टाइप में था, बट मुझे ये अच्छा लगा। आप अगर इसमें से कुछ वर्ड्स उठा ले तो पिक कर ले तो आपको बेस्ट लगता है, तो डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर टाइप थर्ड मैंने कौन सी लिए, प्रोस का मैंने बात नहीं की है, क्योंकि एक नेशन पे एक इलेक्शन कराना ठीक है, टाइम सेविंग, बहुत सारी चीज़ें सेव करता है, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इतना सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे कैसे आप देखते हो। हेलो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ होल न्यू व्यू टू द अंडर गोइंग डिस्कशन ऑन वन इंडिया वन इलेक्शन। मैनी ऑफ अस थिंक दैट इट इज़ अ ग्रेट आइडिया टू कंडक्ट इलेक्शन एट द सेम टाइम, बट आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रेडिक्ट द थॉट, बिकॉज इफ ऑल सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शन आर कंडक्टेड एट द सेम टाइम देन वी आर गिवन अवे द पावर टू अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू रूल फॉर 5 years। मतलब अगर एक साथ में कराए जाएंगे और एक साथ में अगर वो विजेता बनती है, विनर बनती है, मतलब कि हम पूरे के पूरे 5 साल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं। यस, बाई टेकिंग अवे द कंपटीशन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी टू रूल फॉर 5 years बाई टेकिंग अवे द कंपटीशन। अ गवर्नमेंट रूल बाई पार्टिकुलर पार्टी कैन टेक हार्श डिसीजन दैट मे नॉट बी पब्लिक इंटरेस्ट एंड द पब्लिक कैन नॉट डू एनीथिंग टू अपोज दैट डिसीजन्स। मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन लेती है जो पब्लिक के, मतलब मैं कहता हूँ, फेवर में ना हो, और फिर पब्लिक कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपोज द डिसीजन टेकन बाई द गवर्नमेंट बिकॉज इट वॉज इलेक्टेड बाई द पब्लिक इटसेल्फ, क्योंकि वो पब्लिक के द्वारा खुद चुने गए हैं। गवर्नमेंट्स में नॉट फंक्शन अप टू द पॉइंट बिकॉज दे मे नॉट हैव एनी फियर ऑफ लूजिंग एनी फर्दर स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन अप टू नेक्स्ट 5 years। उन्हें कोई डर भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें 5 सालों के लिए कोई चिंता नहीं है कि भाई अब क्या है, अभी तो अपने बल्ले बल्ले हैं। देयर मे नॉट बी एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विनिंग एनी इलेक्शन टिल द नेक्स्ट 5 years। सो द होल कंट्री मे बिकम अनरेगुलेटेड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। नाउ द इलेक्शन आर कंडक्टेड एट द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स इन डिफरेंट रीजन्स दैट गिव द पीपुल द राइट टू एक्सप्रेस दियर फीलिंग्स अबाउट द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बाई द कास्टिंग दियर वोट्स, एंड इन दिस वे द गवर्नमेंट ऑल्सो फंक्शन इन द कॉमन इंटरेस्ट ड्यू टू द फियर ऑफ लूजिंग अपकमिंग इलेक्शन।
द बेनिफिट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग वन नेशन वन इलेक्शन इज ऑब्वियस बट दीज आर द मेजर कॉन्स दैट नीड्स टू बी थॉट ऑफ केयरफुली बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग बेस्ड ऑन द व्यूज ऑफ द सर्टेन पीपल. थैंक यू. जय हिंद. अब आपको यहाँ पे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप किसके साथ में जाने वाले हो. आप इसके आपका ग्रुप डिस्कशन है, आप प्रोस पे जाओगे, आप कॉन्स पे जाओगे, मीन्स आप पॉजिटिव मत पे रहोगे, निगेटिव पे रहोगे, मतलब इसके फेवर में रहोगे, इसके अगेंस्ट में रहोगे. वन नेशन वन इलेक्शन. ओके. सो थैंक यू. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ना आया हो तो डिसलाइक का ऑप्शन होता है. टेक केयर एंड जय हिंद.